हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑल इन वन। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के एक शेयर की, जिसका नाम है BHEL, भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भेल कुछ दिनों से काफ़ी सुर्खियों में है। तो दोस्तों, ये रहा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का चार्ट। तो ये है 9 सितंबर का लास्ट क्लोजिंग सेशन का चार्ट। दोस्तों आप देख सकते हो। दोस्तों हम बात कर लेते हैं इससे पहले। दोस्तों इसको एक ऑर्डर मिला था 10,800 करोड़ का। दोस्तों भेल को एक ऑर्डर मिला था NPCI के द्वारा 10,800 करोड़ का। दोस्तों आप देख सकते हैं। दोस्तों बताना चाहूँगा कि NPCI द्वारा अगस्त माह में इसको 6 ऑर्डर रिसीव हो चुके हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं। और हाल ही में लेटेस्ट न्यूज़ जो अभी सामने निकल कर आई है, दोस्तों भेल, तो दोस्तों भेल के टारगेट से पहले एक और न्यूज़ की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक। भेल डिमॉन्स्ट्रेट टेस्ट टू क्रिएट मेथेनॉल फ्रॉम हाई एस कोल। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है भेल शेयर होल्डरों के लिए। दोस्तों 4 साल के परीक्षण के बाद में इसमें सफलता हासिल हुई है। दोस्तों तो बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आई है। तो दोस्तों गुरुवार को आधिकारिक रूप में कहा गया है कि सरकारी इंजीनियरिंग कंपनी भेल ने उच्च राख वाले भारतीय कोयले से मेथनॉल बनाने की सुविधा का सफलतापूर्वक प्रदर्शन परीक्षण किया है। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी बिग न्यूज़। दोस्तों मेथनॉल का यूज़ यूटिलाइज टू मोटर्स के फ्यूल पावर्स, शिप इंजन्स में, जनरेटर में, ये स्वच्छ ऊर्जा के रूप में है। दोस्तों ये परीक्षण लास्ट 4 साल से भेल द्वारा किया जा रहा है, जो अब जाके सक्सेसफुल हुआ है। दोस्तों स्पीक ऑन दिस ओकेजन। दोस्तों इस अवसर पर बोलते हुए नीति आयोग के सदस्य वीके शाश्वत ने कहा है कि इस प्रयास से अधिक क्षमता वाले कोयला गैसीकरण सुविधा को डिज़ाइन विशेषज्ञता का निर्माण हुआ है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है भेल शेयर होल्डर्स के लिए। दोस्तों देखिए काफ़ी कुछ बताया गया है इसके अंदर। दोस्तों तो ये न्यूज़ ये है कि भेल प्लेस की रोल इन इम्प्लीमेंटिंग UHVDC ट्रांसमिशन लिंक। तो दोस्तों इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं, ये HVDC आखिर चीज़ क्या है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों HVDC हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट। तो दोस्तों यह DC के रूप में पनडुब्बियों, केबल या ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से लंबी दूरी पर बिजली के बड़े पैमानों पर प्रसारण के लिए दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों HVDC हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट, दोस्तों इसको सही आसान भाषा में समझेंगे। दोस्तों यह एक DC डायरेक्ट करंट के रूप में, जैसे पनडुब्बी हो, जैसे केबल हो गई, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से ये लंबी दूरी पर बिजली को बड़े पैमाने पर पहुंचाने, मतलब इसका यूज़ में लिया जाता है, उपयोग में जाता है, लंबी दूरी पर बिजली पहुँचाने की एक पद्धति है। दोस्तों HVDC लाइनें कम खर्चीली होती है तुलना में HVC ट्रांसमिशन। तो दोस्तों यह है HVDC सिस्टम ट्रांसमिशन की बुनियादी किस प्रकार से काम करता है, कैसे कैसे काम करता है। AC से DC और DC से AC में रूपांतरित करना, इनका उपयोग प्रणाली को पृथ्वी से जोड़ने के लिए किया जाता है। स्मूथली रिएक्टर HVDC ट्रांसमिशन लाइनों के
साथ श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। डीसी लाइन ये ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइनें हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। दोस्तों भेल प्लेज की रोल इन इम्प्लीमेंटिंग UHVDC ट्रांसमिशन लिंक, इसमें बताया गया है कि इस थायरेक्टर वॉल्व का उपयोग रायगढ़ में IPP में उत्पन्न AC बिजली को DC में किया जाए ताकि इसे 1800 किलोमीटर से अधिक HVDC ट्रांसमिशन लाइन पर ट्रांसमिट कर दिया जाए। और दक्षिणी दक्षिणी जो साउथर्न ग्रिड है वहाँ पर पुगलूर में वापस AC में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो दोस्तों एक अच्छी न्यूज़ आई है सर भेल की। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं भेल के नेक्स्ट टारगेट की। और दोस्तों भेल